हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में. ओके, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय मोर्स मेथड. वेलकम टू माय चैनल अमर सारा एकेडमी, दिस इज हिमांशु. लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक इज सोडियम क्लोराइड का एसे अपन को परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ मोर्स मेथड. जैसा कि हम जानते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो एनालिसिस करना है, टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है, तो कौन से टाइट्रेशन की हेल्प से अपन एनालिसिस परफॉर्म करेंगे? फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. सर, व्हाई प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन? बिकॉज हम जानते हैं किसी भी चीज़ का इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो टाइट्रेशन किस पे बेस होती है? वो जो एनालाइट जो सैंपल है उसके नेचर के हिसाब से. अगर वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे, या फिर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के परफॉर्म करेंगे, नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, सारे के सारे जो टाइट्रेशन है, डिफरेंट टाइट्रेशन अपन एस्टिमेशन परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की हेल्प से, मोर्स मेथड की हेल्प से परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो इस मोर्स मेथड में क्या है जानते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड विद द मोर्स मेथड. जैसे कि हम जानते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट डिटरमिनेशन है, उसके तीन टाइप ऑफ मेथड अपन डिस्कस कर चुके हैं. उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, जिसमें कि मोर्स मेथड, वोलार्ड्स मेथड, फाजन मेथड में हमने डिस्कस कर दिया है. वीडियो के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं. ओके, इस सेपरेट वीडियो आपको दिख जाएगा. ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एंड सेकेंड इज परफॉर्मिंग एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम एसे परफॉर्म कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का विद द हेल्प ऑफ मोर्स मेथड. इन मोर्स मेथड जब भी हम किसी चीज़ का एसे परफॉर्म करते हैं, किसी भी कंपाउंड का, तो हम जानते हैं कि एसे के लिए दो स्टेप होते हैं. कौन कौन से स्टेप? द फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 0.1 नॉर्मल, एंड सेकेंड इज परफॉर्मिंग द एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड. मतलब सबसे पहले जिस सोडियम क्लोराइड का हम एसे परफॉर्म कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं? सर, सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से. तो जो सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से हम एसे परफॉर्म कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, सबसे पहले उस सिल्वर नाइट्रेट का हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा सर, पहला स्टेप. दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद हम एसे परफॉर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड का. अब बात आती है सर, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट हम यूज कर रहे हैं 0.1 मोलर का, उस 0.1 मोलर का सिल्वर नाइट्रेट की हमको स्टैंडर्डाइजेशन करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि वो थ्योरेटिकली तो हमने सिल्वर नाइट्रेट 0.1 मोलर बना दिया, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली वो कितना बना, उसकी कंसंट्रेशन क्या आई? क्योंकि वो जिसकी कंसंट्रेशन है, उसकी कंसंट्रेशन की हेल्प से ही हम सोडियम क्लोराइड का एसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमको इम्पोर्टेंट है कि उस सॉल्यूशन की एक्चुअली नॉर्मलिटी जो है वो हमको आगे फॉर्मूले में पुट करनी पड़ेगी, इसलिए हम सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट का स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि मैं सबको आपको एग्जाम्पल तौर पर बता देता हूँ. देखिए, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है कितना लिया, 16.99 ग्राम इन 1000 ml ऑफ वाटर. ये बन गया हमारा 0.1 मोलर एक्सपेक्टेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. थ्योरेटिकल बन गया, हमने वे किया और 1000 ml में वाटर में बना दिया. अब हाउ डू यू मेक श्योर दैट ये जो सॉल्यूशन है 0.1 मोलर का ही बना है? अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन करो, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करके पता लगाओ कि ये एक्चुअली 0.1 नॉर्मल का बना है या नहीं बना है, तो स्टैंडर्डाइजेशन की वहाँ पर जरूरत आएगी. ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके बात करेंगे अपन. तो पहला स्टेप अपना क्या होगा, क्या होगा? प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. कितने मोलर का बना रहे हैं हम? 0.1 मोलर का सिल्वर नाइट्रेट. तो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, केमिकल रिक्वायरमेंट, नॉर्मली सोडियम क्लोराइड AR ग्रेड, AR बोले तो एनालिटिकल रिएजेंट ग्रेड. ओके, पोटेशियम क्रोमेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, ग्लासवेयर, सिंपल जो टाइट्रेशन में यूज होते हैं, PPA कॉनिकल वॉल्यूमेट्रिक. नेक्स्ट बात करूंगा मैं इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट की, क्या क्या रहेंगे, एनालिटिकल बैलेंस बिल्कुल. नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इसका प्रिंसिपल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? देखिए, द टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द अर्जेनोमेट्रिक टाइट्रेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है अर्जेनोमेट्रिक टाइट्रेशन. तो आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है,
राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या फिर राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ अर्जेनोमेट्रिक टाइट्रेशन. ओके, सो इज अ बेस ऑन द सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेट बाय डायरेक्टली अगेंस्ट सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेशन सिल्वर क्लोराइड विद द सोडियम नाइट्रेट. ओके, तो क्या होगा, देखिए सिल्वर नाइट्रेट इज डायरेक्टली टाइट्रेट विद द सोडियम क्लोराइड. देन फिर क्या होगा, ये अपने पास सिल्वर क्लोराइड की वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा. देन क्या होगा, व्हेन ऑल द क्लोराइड ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंज्यूम इट रिएक्ट विद द पोटेशियम क्रोमेट. पोटेशियम क्रोमेट क्या है, एज अ इंडिकेटर एंड एंड पॉइंट कैन डिटेक्ट विद द एप्रिशन ऑफ ब्रिक रेड कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट अलॉन्ग विद द पोटेशियम नाइट्रेट. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो है एक्सेस अमाउंट में थोड़ा सा भी पड़ेगा वो पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्ट करेगा और उसके कारण जो है हमको सिल्वर क्रोमेट की ब्रिक रेड कलर की पीपीटी नजर आएगी और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा. ये प्रोसेस आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक स्टेप और लेके मैं आपको अच्छे से समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ. देखिएगा, इधर देखिए यहाँ पे मैंने ब्यूरेट बना दी, यहाँ पे मैंने बना दिया कॉनिकल फ्लास्क, जस्ट एक रिज्यूम करते हैं. ओके, अब हमने सबसे पहले क्या किया सर, हमने सबसे पहले सोडियम क्लोराइड जो है अपना एनालाइट है तो सोडियम क्लोराइड को हमने इसमें एनालाइट में डाला NaCl. यहाँ पे हमने AgNO3 जो है अपना जो क्या है टाइट्रेंट है, एक सेकेंड इसको मैं सही से लिख लेता हूँ. यस, देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिएक्शन हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन हुई जैसे ही आप ये टाइट्रेशन करना परफॉर्म करेंगे, जैसे ही आप टाइट्रेशन करना परफॉर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको सिल्वर क्लोराइड की वाइट पीपीटी यहाँ पे नजर आएगी. कैसी पीपीटी नजर आएगी, वाइट कलर की पीपीटी. अभी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको. जैसे ही आप टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे आपको वाइट कलर की पीपीटी जो है नजर आएगी. चलो इसको मैं आप समझ लीजिए, इसको ये पीपीटी जो है वाइट कलर की है, वाइट कलर की पीपीटी नजर आएगी. अब क्या होगा, एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, मतलब जो AgNO3 है वो पूरा रिएक्ट कर देगा NaCl के साथ. ओके, उसने रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि AgCl की जो है वाइट पीपीटी बना देगा. अब वाइट प्रेसिपिटेशन बनाने के बाद क्या होगा कि जो एक या दो ड्रॉप में एक्सेस अमाउंट में AgNO3 और आप डालोगे एंड पॉइंट के बाद, तो उसमें जो हमने इंडिकेटर ऐड किया कर रखा है पोटेशियम क्रोमेट का, वो पोटेशियम क्रोमेट का इंडिकेटर जो है वो AgNO3 के साथ मिलकर सिल्वर क्रोमेट ब्रिक रेड कलर की पीपीटी देगा और उसी समय हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टाइट्रेशन जो है सर कंप्लीट हो गई. सिंपल है, और इसी मेथड को हम बोलते हैं मोर्स मेथड. वेरी वेरी इजी कंसेप्ट, वापस से एक बार समझा रहा हूँ. देखिए इधर देखिए क्या समझाया मैंने, ये समझाया सर कुछ नहीं सर, सबसे पहले हमने ब्यूरेट में जो है AgNO3 डाल दिया, कॉनिकल में हमने जो है NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया और हमने जो है ये पोटेशियम क्रोमेट जो है उसका इंडिकेटर डाल दिया. अब जैसे ही मैं टाइट्रेशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मेरे को वाइट कलर की सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी नजर आएगी, एंड देन जैसे ही जो एनालाइट है, एनालाइट बोले तो सोडियम क्लोराइड, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ एट द एंड पॉइंट एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. अब मैं जैसे ही एंड पॉइंट वाइट पीपीटी आने के बाद जैसे एक्सेस अमाउंट में जो AgNO3 डालूंगा वो AgNO3 पोटेशियम क्रोमेट के साथ मिलकर ब्रिक रेड कलर की पीपीटी देगा, उसी समय हमको मालूम चल जाएगा कि सर एंड पॉइंट आ चुका है, स्टॉप करो एंड पॉइंट आ चुका है. ओके, इसी की हेल्प से मैं और इसी टाइट्रेशन को मैं बोलूंगा मोर्स मेथड. मोर्स मेथड तो एनालिसिस ऑफ कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, सॉरी. ओके, तो ये हिसाब से इसका प्रिंसिपल काम करेगा. अब मैं बात करता हूँ सर प्रिंसिपल की, बात कर लीजिए प्रोसीजर क्या, कैसे करना, कैसे समझ में आ गया सर. नेक्स्ट प्रोसीजर में बात कर रहा हूँ. देखिए ए प्रिपरेशन एंड रिएजेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, द प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 0.1 एक्सेप्टेड
वे एक्यूरेटली 16.99 ग्राम वे करना है। अब पहले तो कैसे सिल्वर नाइट्रेट बनाना, कैसे 16.99 ग्राम वे करना है, फर्स्ट 700 ml वाटर में डालना है, फिर उसको मेकअप करना है 1000 ml तक। सेकेंड स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सर, 0.1 नॉर्मल का सोडियम सिल्वर नाइट्रेट बनाएंगे तो इसके अगेंस्ट में अपन क्या बनाएंगे, सिल्वर सोडियम क्लोराइड का ही तो 0.1 नॉर्मल का बनाएंगे। तो क्या करना है, ड्राई फॉर टू आवर्स, सॉरी ड्राई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट उसमें प्रेजेंट है तो एलिमिनेट हो जाए। एंड वे एक्यूरेटली अबाउट 5.844 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, डिजोल्व इन 700 ml वाटर एंड जीरो मेकअप अप टू 1000 ml, ठीक है, क्योंकि हमने 0.1 मोलर का सिल्वर नाइट्रेट बनाया है तो उसी के अगेंस्ट में हमने 0.1 मोलर का सोडियम क्लोराइड बनाया है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखिए प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन 5% वेट बाय वॉल्यूम, वो कैसे बनाना है, देखिए वे एक्यूरेटली अबाउट 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एंड डिजोल्व इन द 100 ml ऑफ वाटर। तो अब हम जो इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट का 5% सॉल्यूशन, वो कैसे बनाना है, वे करना है सैंपल को 5 ग्राम और उस सैंपल को हमको 100 ml डिस्टिल वाटर में डाल के प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे रिएजेंट और सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइट्रेशन की मैं बात करूँ, टाइट्रेशन में क्या करना है, क्लीन ड्राई ऑल ग्लासवेयर एज पर द स्टैंडर्ड लेबोरेटरी प्रोसीजर, सारे के सारे ग्लासवेयर को आपको अच्छे से अरेंज करना है फिर उसको यूज करना है, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रीवियसली प्रैक्टिकल आपका परफॉर्म हो चुका है तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए आपको ग्लासवेयर को सारे को वॉश करना है। नेक्स्ट रेंज हो गया, उसके बाद हम प्रोसीजर की बात करें, टेक 25 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय यूजिंग ऑफ सोल्यूशन। अब क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क में जो आपने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया है वो सोडियम क्लोराइड में आपको 25 ml जो है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है। नेक्स्ट 3-4 ड्रॉप ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, इंडिकेटर कौन सा यूज होगा मोर्स मेथड में, पोटेशियम क्रोमेट जो है 3-4 ml आपको यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट देन फिल द ब्यूरेट विद द सिल्वर नाइट्रेट, ब्यूरेट को किससे फिल करना है, सिल्वर नाइट्रेट से, एंड स्टार्ट द टाइट्रेशन विद द स्लोली, आपको टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है और जैसे ही टाइट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे सबसे पहले क्या होगा, व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी AgNO3 की, AgCl की थोड़ी, सिल्वर क्लोराइड की। नेक्स्ट एट द एंड पॉइंट जैसे ही पोटेशियम क्रोमेट जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा ब्रिक रेड कलर की पीपीटी आएगी, आपको पता चल जाएगा एंड पॉइंट आ चुका है सर, स्टॉप कीजिए टाइट्रेशन को। नेक्स्ट स्टेप है अपना ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करना है कि कंटेन ऑफ फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क में क्या था 25 ml जो है आपने NaCl लिया था, 3 रीडिंग जो है आपको लेनी है किसकी, इनिशियल में, फाइनल जो रीडिंग आती है उसका आपको मीन निकालना और वो जो मीन जो है वो आपको यहाँ पे आगे पुट करना है। कैसे कैलकुलेशन करनी है, m1v1 = m2v2, यहाँ पे m1 क्या है n2 क्या है, देखिए m2 है मोलरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो कि हमको डिटर्मिनेशन करना है, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड, m1 है मोलरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड v2 है वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसके बाद आप जो रिजल्ट आएगा, द स्टैंड प्रिपेयर द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी दिस, तो इसकी हेल्प से हम सोडियम क्लोराइड का एस्टिमेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर्स मेथड। सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए कैलकुलेशन के बारे में एक बार वापस बता देता हूँ, क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला पुट करने के बाद m1 जो है वो क्या है, मोलरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की इतनी मोलरिटी वो लिखनी है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ वो लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट कितना है और ब्यूरेट की जो रीडिंग है वो लिखनी है, ठीक है, मोलरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड, इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है सिंपल सा और इससे आपको m2 की रीडिंग आ जाएगी। सिंपल प्रोसीजर है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया इसके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उसकी एक्सप्लेनेशन देने की, ओके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप बीफार्म स्टूडेंट हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बीफार्म स्टूडेंट एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट जो है, रूटीनली अपन सोडियम क्लोराइड का जो है एस्टिमेशन है ऐसे जो है हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर्स मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है एज पर योर एग्जामिनेशन भी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।